दोस्तों, इस वीडियो में हमारा एजुकेशनल सिस्टम किस तरह से एक मजाक बनकर रह गया है और हमारे पूरे भारतीय नहीं बल्कि विश्व भर के जितने भी युवा वर्ग है वो कितना भटक कर रह गए हैं, मैं उसके बारे में इसमें चर्चा करने जा रहा हूँ। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शन द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम हमेशा उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में थोड़े हम अनजान हैं, थोड़ा अंधविश्वास है, थोड़ा पाखंड है, भय है, जो भी है, तो हम एक उसका जो एक सरल सच्चा स्वरूप है वो लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत का विशेष तौर पर बता रहा हूँ, बाहर का तो मैं उतना जानता भी नहीं क्योंकि मैं बाहर पढ़ा भी नहीं। इसलिए दोस्तों, भारत का एजुकेशनल सिस्टम एक मजाक बनकर रह गया है। दोस्तों, हम 75 इयर्स का आज़ादी दिवस मना रहे हैं लेकिन आज भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, वो आज एक वास्तविक जो सही जो क्वालिटी एक आदमी के अंदर होती है वो बाहर निकाल के ला नहीं पा रहा है, बता रहे हैं। यानी कि आज हमारा युवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के चाल को देखकर, यानी तो खूब पैसे जिसमें मिल जाए उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा होता है। और हालात क्या है इस वक्त हमारे पूरे विश्व भर में और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में और हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। तो क्या है हमारा एजुकेशनल सिस्टम? दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सुन करके कि भारत के एजुकेशनल सिस्टम कैसे हैं। द मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट्स and some become doctors and some engineers. The second class pass and get MBA and become administrators and control the board. The third class pass, enter politics and become ministers and politicians and control both above. And last but not the least, the failures join the underworld and control all the above. And those who do not attend any school become swamis and gurus and everyone goes to them. दोस्तों, सबसे बढ़िया धंधा तो नीचे वाले ये कुछ भी बोल रहा। तो दोस्तों, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बहुत खूबसूरती से क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपके सामने जो स्लाइड आ रही है इसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहे हैं कि everybody is genius. If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live the whole life believing that it is stupid. तो दोस्तों, हमारे क्लास में गधे, घोड़े, चूहे, पक्षी, कछुए, खरगोश सब एक साथ पढ़ रहे होते हैं और हमारे टीचर भी जो थोड़ा तेज भागता है उस बच्चे की तारीफ करते हैं, उसको फ्रंट पेज पे बिठाते हैं और मीडिया वाले आकर के उसका नाम पेपर में उछालते रहते हैं। लेकिन जो बेचारा कछुआ थोड़ा धीरे चल रहा होता है या जो मछली थोड़ी आराम से तैर रही होती है, जो पेड़ पर चढ़ नहीं पाती है, तो उसका नाम भी किसी को पता तक नहीं चलता। दोस्तों, हर बच्चे में एक जीनियस छुपा हुआ होता है लेकिन हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो जीनियस को बाहर निकालने की ताकत नहीं रखता। एक शेर है दोस्तों कि कितने यहाँ ऐसे कमल होते हैं जो खिलते नहीं और वक्फे अजल होते हैं। वक्फे अजल का मतलब है मौत के भेंट होते हैं। ये बात जुदा है कि वह तामीर ना हो, तामीर का मतलब है बनाना, ये बात जुदा है कि वह तामीर ना हो वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे माँ बाप को और हमारे सारे समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई, कोई बच्चा इस संसार में कम नहीं है। हर एक के अंदर एक खास विशेषता छुपी हुई है, एक खास सुगंध छुपी हुई है,
उस सुगंध को निकालने के लिए हमारा एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। और अगर हमारी वो सुगंध और हमारी वो क्षमता, हमारी वो पोटेंशियल अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम निकाल नहीं पा रहा है ना, तो फिर कोई काम का नहीं हमारे लिए। एक मजाक है, एक हमारे जिंदगी के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। आप जरा सोचिए, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि ये सारी तुम्हारी बीए एमए की डिग्रियां कोई काम की नहीं है। जब एक जॉब निकलता तो आप जानते ना कि एमबीए बीए डिग्री वाले एमबीबीएस तक भी जाकर उस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ये हालत है हमारी डिग्रियों की, जरा सोचिए। और नारायण मूर्ति जो इंफोसिस के डायरेक्टर है, वो क्या कहते मालूम है कि 91% और इंजीनियर्स आर सिंपली अनएम्प्लॉयबल। कितनी शर्मनाक बात है, माँ बाप के पैसे बर्बाद, स्टूडेंट का समय बर्बाद, और ये हालत है, उनको फिर से ये एजुकेट करना पड़ता है। और दोस्तों, दुनिया में भारत से ज़्यादा कहीं पर भी ट्यूशन नहीं लिया जाता। 75% हमारे बच्चे जो है ट्यूशन लेते हैं। दुनिया में कहीं इतने कोचिंग सेंटर्स नहीं चलते हैं, जैसे कोटा में कोचिंग फैक्ट्री बोलते हैं हम उसको ना, और भारत के अंदर भी जो है आज ये इंडस्ट्री के रूप, भारत के अंदर भी ये इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है कि आज हमारे बच्चे स्कूल में हज़ारों रुपया खर्च करके महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं, और 2-3 बजे घर आने के बाद फिर माँ बाप के ऊपर एक और बोझ के और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके उनको फिर से दोबारा ट्यूशन दिलवाया जाए। तो अगर बाहरी ट्यूशन अगर बच्चों को दिलवाना था, तो भैया फिर ये जो हज़ारों रुपये देकर आपने अच्छे स्कूल में भेजा, वो स्कूल तो बकवास है, इसका मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ जाकर भी आपका बच्चा अगर तैयार नहीं हो पाया तो गलती किसकी है, टीचर की है ना, स्कूल की है ना। लेकिन हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे और हम बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन करवा के अपने पैसे बर्बाद करना पसंद करेंगे। और ऐसे बच्चे ट्यूशन कर करके रट्टा मार मार के घसीट पसीट कर किसी तरह अपनी डिग्रियां लेने की कोशिश भी करते हैं, तो कौन से बड़े अच्छे दुनिया के मानव बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कोई एजुकेशन नहीं होता, थोपा हुआ है ना, कोई एजुकेशन नहीं होता। दोस्तों, जिस चीज़ में प्यार होता है ना, वो चीज़ हमेशा याद रहती है। दोस्तों, जिसको मेमोराइज करना पड़े, वो कोई एजुकेशन होता है? तो आप जरा सोचिए कि हमारे एजुकेशन के प्रति प्यार पैदा नहीं किया जा रहा है। बच्चा जब बचपन में स्कूल से भाग रहा होता है ना, तो वो स्कूल की गलती है कि आज वो बच्चे को पढ़ाई के प्रति प्यार पैदा नहीं करवा पा रही है। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट पे प्यार होता है ना, वो कभी भी याद नहीं करना पड़ता, रट्टा मारना नहीं पड़ता, उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो उसका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है भाई। दोस्तों, मेरा बचपन में संगीत में इतना इंटरेस्ट था, तो दोस्तों कितनी प्रकार की राग रागनियाँ, क्या संगीत होता है, वो मुझे किसी ने बोला नहीं कि तुम्हें याद करनी है, वो मुझे जानना था, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्टेड विषय था। तो दोस्तों, जिस बच्चे को जिस विषय में रुचि होती है, वो उसकी गहराई में जाएगा ही ना अपने आप में। तो हमारे बच्चे स्किल के साथ पैदा हो, किसी विषय में एक्सपर्टाइज करके पैदा हो, ऐसा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी भी बहुत कमी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में हमारा एजुकेशनल सिस्टम सुधरेगा और हमारे सारे युवाओं का और देश का कल्याण होगा। ऐसी आशा करके मैं आपसे विदा लेता हूँ।